ओके सो विल स्टार्ट विद द सिख एम्पायर. नाउ दिस इज चैप्टर 2 ऑफ इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी ऑफ बिपिन चंद्रा बुक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो सिख एम्पायर का मैप अगर तुम देखो तो इसमें तुमको जो पिंक पार्ट है वो उसका एम्पायर का पार्ट था, एंड उसका मेजर पार्ट जो है वो राइट नाउ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. वैसे भी जो पंजाब मेन एरिया है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया, और इंडिया के साइड का जो पंजाब है वो भी इनफैक्ट दो स्टेट्स में डिवाइड हो गया बिटवीन पंजाबी स्पीकिंग एंड हरियाणवी स्पीकिंग पॉपुलेशन. सो दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. तो अभी जो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में जो बेसिकली ये सिख एम्पायर राइज हुआ था, तो उससे इसे फाइनली ब्रिटिश ने एनेक्स किया 1849 में. तो इट रोज फ्रॉम 1799 टू 1849, यानी ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स ये एम्पायर था. तो ये एम्पायर की अगर पूरा क्रेडिट किसी को दिया जा सकता है तो वो है महाराजा रणजीत सिंह. सो दिस इज महाराजा रणजीत सिंह एंड ही इज अ फेमस रूलर. इनफैक्ट बीबीसी के वन ऑफ द हिस्ट्री मैगजीन्स में इसको वन ऑफ द टॉप रूलर्स ऑफ वर्ल्ड का भी खिताब मिला हुआ है. एंड इन इंडिया व्हेन महाराजा रणजीत सिंह वाज देयर, तो ब्रिटिश के बाद अगर किसी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी तो वो इसकी थी. और उसका रीजन ये था कि इसने अपनी आर्मी भी जैसे टीपू सुल्तान और बाकी के लोगों ने पूरी मॉडर्नाइज वे में बनाई थी. ही वेरी सून रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री, दैट इज मॉडर्न वेपन्स एंड यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो उसने भी जैसे टीपू सुल्तान ने या औरों ने यूरोपियन लोगों को रिक्रूट किया था अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, और मॉडर्न वेपन्स वगैरह खरीदे थे यूरोप से. तो इसका पूरा श्रेय महाराजा रणजीत सिंह को जाता. तो इसकी ये करने से पहले सिख एम्पायर का जो राइज एंड फॉल है उसको करने से पहले यू मस्ट नो सम बेसिक बैकग्राउंड. तो बेसिक बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि दिस इज गुरु गोविंद सिंह. नाउ गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु, 10th सिख गुरु, ठीक है, एंड द लास्ट. तो उसके बाद का कौन गुरु है? तो उसके बाद जो गुरु मानते हैं वो अपने ग्रंथ को मानते हैं, आदि ग्रंथ को, एंड दैट इज व्हाई द ग्रंथ इज आल्सो कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब. सो देयर वर 10 गुरु स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक टिल गुरु गोविंद सिंह. एंड ये जो 10 गुरुज है इसके ऊपर अपना एक ब्लॉग है, वो भी तुम जरूर पढ़ो, उसकी भी लिंक तुमको मिल जाएगी. तो गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट ह्यूमन गुरु एंड ही वॉज द वन हु एक्चुअली मिलिटराइज्ड द सिख कम्युनिटी. अब एक्चुअली सिख कम्युनिटी भी जो है वो काफी परसिक्यूटेड टाइप ऑफ कम्युनिटी ही थी. ये बेसिकली पेजेंट थे, ये पेजेंट्स थे, किसान कम्युनिटी थी, और एज सच ये पहले मिलिटरीली या ऐसे इतने एक्टिव नहीं थे. और बेसिकली ये जाट्स थे, जाट पेजेंट्स जो होते. एंड गुरु गोविंद सिंह के टाइम से सम पीपल एम्ब्रेस्ड हिज पाथ एंड विच इज सिखिज्म. और फिर उन्होंने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई जिसमें उन्होंने अपना सर पे पगड़ी बांधते, दाढ़ी रखना, ये उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई. और इसमें फिर अलग अलग इसके लोग आए, इस्लाम से भी कुछ लोग सिखिज्म में ज्वाइन हुए, और फिर मेजर तो उसमें हिंदूज ही थे और स्पेशली थे जाट. तो अभी भी उनको जट सिख बोलते हैं, अभी भी है वो कम्युनिटी. और फिर इसमें हर टाइप के लोग कन्वर्ट हुए, और बहुत सारे लोअर कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, इन सब से भी सिखिज्म में कन्वर्ट हुए. आज की डेट में भी स्टेट वाइज अगर सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहीं पे, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वाइज, तो दैट इज पंजाब. पंजाब में 30% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और उसमें कई सारे सिख्स हैं. तो अब सिखिज्म जो है वो एक इगैलिटेरियन रिलीजन है, वो ऊंच नीच और इन सब में मानता नहीं है. और गुरु नानक ने अपने इसमें जैसे बुद्धा ने या जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो इन सब चीजों को तो मानते नहीं है ना. तो वैसे ही गुरु नानक ने भी ये जब इनको इकट्ठा करना शुरू किया तो हर कम्युनिटी के लोग उसमें आए, और उसमें पूरी इक्वालिटी फॉलो होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि जैसे मंदिर में कौन आएगा. हिंदुइज्म में जैसे था, गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, गुरुद्वारे का प्रीस्ट भी कोई भी बन सकता है. यानी गुरुद्वारे का प्रीस्ट यानी वो उसकी कोई अलग से ब्राह्मण टाइप की ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो
वही उन्हीं के बच्चे और वो सब बनते रहेंगे। तो गुरुद्वारे का भी प्रीस्ट कोई भी बन सकता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में कोई भी प्रीस्ट बन सकता है। तो गुरु नानक ने ये रिलीजन फॉर्म किया था, और फिर वो एक पेजेंट पीस लविंग कम्युनिटी थी विच वॉज मेनी टाइम्स परसिक्यूटेड बाय अदर इन्वेडर्स रूलर्स। औरंगजेब के टाइम पे 3-4 गुरुओं को तो औरंगजेब ने मरवाया था, और इनको मतलब देवर फोर्स टू एम्ब्रेस इस्लाम, जो उन्होंने मना किया। तो औरंगजेब का रीन भी तो बहुत बड़ा था, बट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह वॉज देयर, एंड गुरु गोविंद सिंह ने उससे पहले एक हरगोविंद करके गुरु था, उसने थोड़ा सा मिलिटराइजेशन शुरू किया था सिख कम्युनिटी का। लेकिन मेजर जो मिलिटराइजेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन जो होता है, जिसको एक उसको उन्होंने उसका नाम भी दिया अपने ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड खालसा, दल खालसा। ओके, खालसा मतलब अ वॉरियर ब्रीड। तो दे गॉट कन्वर्टेड इन टू वॉरियर्स, और जब एक बार वो उनका ये शुरू हो गया तो उन्होंने एक्चुअली पॉलिटिकल पावर लेना शुरू किया। सो गुरु गोविंद सिंह डाइड एंड आफ्टर दैट ही पास्ड, ही मेड हिज सक्सेसर अ मैन कॉल्ड बंदा बहादुर। तो हम इसका आगे का जो है ये अपने ब्लॉग से करेंगे, और ये ब्लॉग की लिंक तुमको इसमें मिल जाएगी। सो दिस इज अवर ब्लॉग द सिख एम्पायर, द राइज एंड फॉल ऑफ सिख एम्पायर। इट इज एन अमेजिंग स्टोरी। नाउ दिस फेलो बिसाइड्स महाराजा रणजीत सिंह, दिस इज बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने फर्दर अपना टेरिटरीज कैप्चर करना वगैरह शुरू किया, बट जब ये था तब इसका कंटेम्प्रेरी मुगल एम्परर था बहादुर शाह, यानी औरंगजेब का बेटा। एंड बंदा बहादुर वॉज फाइनली कैप्चर्ड अलॉन्ग विद अराउंड 766 एंड दे वर ब्रॉट टू दिल्ली। दे वर आस्क टू कन्वर्ट टू इस्लाम विच दे ऑफ कोर्स वुड रिफ्यूज, एंड फाइनली दे वर एग्जीक्यूटेड। तो बंदा बहादुर के एग्जीक्यूशन के बाद से एक्चुअली इनका जो पॉलिटिकल क्लाउड था या मिलिटराइजेशन ये जो था, ये थोड़ा ठंडा पड़ गया। बट एट द सेम टाइम वो क्या रहा था, वी दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस पार्ट्स, दैट मुगल एम्पायर इटसेल्फ वाज गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ वीक सक्सेसर्स आफ्टर बहादुर शाह। तो जैसे उसके बाद जो भी आया, फारूक सियार, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, ये सब इनफेक्टिव और वर्थलेस रूलर्स थे, और इनकी इंटरनल दिल्ली में ही इनकी इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब चल रही थी कि अब ये बाकी के टेरिटरीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और फिर उधर अगर याद होगा हमने बात की थी 1737 में नादिर शाह ने इन्वेजन किया था। तो नादिर शाह ने जब इन्वेड किया था तो वहां पे तो जो उधर का फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड का फ्रंटियर जो है, वो पूरा ओपन पड़ा था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, और वो आराम से केक वॉक की तरह मार्च करता हुआ सबको कत्ल करता हुआ यहाँ दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया, अफकोर्स उसने दिल्ली को अपना रूल स्थापित नहीं किया, वो यहाँ से लूट के लेके गया प्लंडर, जिससे उसने अपने एम्पायर में 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया था पर्शियन एम्पायर में। फिर उसके बाद यही कंपनी था, तो अहमद शाह अब्दाली हैड इन्वेडेड इंडिया 8 टाइम्स, एंड वो जो इन्वेजन थे वो अगेन दे वर नॉट फॉर एस्टैब्लिशिंग एनी रूल, दे वर फॉर अगेन प्लंडरिंग रेड्स। तो इन सब के चलते क्या हुआ था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पॉलिटिकली पूरा ही वीक हो गया था, यानी उस पर मुगल अथॉरिटी कुछ बची नहीं थी। तो अब ये एक टाइम था, अब ऑफकोर्स अहमद शाह अब्दाली ने भी यहाँ पर कोई रूल एस्टेब्लिश तो करने आया नहीं था, वो लुट के चला जाता था, तो वहां पर पॉलिटिकल ये किसके पास रहेंगे। तो ऐसे करके वहां पर क्या हुआ कि 14 बेसिकली मिसल बनी, मिसल यानी इसको कॉन्फिडरेसीज बोलते हैं, विच वर अंडर सम चीफ। तो 14 में से एक मुस्लिम के अंडर में थी, साउथ वेस्ट वाली अफगानिस्तान साइड में, साउथ ईस्ट वाली एक ब्रिटिश के अंडर में थी थॉमस जेकब कर, और बाकी के जो 12 थे, तो 12 मिसल या कॉन्फिडरेसीज इसको बोलते हैं, देवर हेडेड बाय सिक्स। ठीक है, तो ये जो 12 सिख कॉन्फिडरेसीज थी इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो ये लोग काफी यूनाइटेड वे में और इन्होंने अपना ये चलाया, यानी ये इनके ऑफकोर्स ये बनी थी एक यूनाइटेड वे में, इनके आपस में शुरुआत में कोई राइवलरीज नहीं थी, लेकिन होता क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी ग्रीड की होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ,
ये जो इनके जो चीफ्स थे ये ऑफिसर्स इनके हेरिडिटरी बन गए। अब इंडिया में आज की डेट में भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हेरिडिटरी बनती है, शिवसेना हेरिडिटरी पार्टी है, उधर ममता बनर्जी भी अपने भतीजे भी बनाने वाली है, मायावती भी भतीजे को, इधर स्टालिन कांग्रेस पार्टी है, सब हेरिडिटरी पार्टी ही तो है। तो घूम तो ये निसर्ग भी हेरिडिटरी बन गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अचंभे की। तो ये जो हेरिडिटरी इनके ये बनने शुरू हुए, तो इनके आपस में भी फिर थोड़े बहुत राइवलरीज चालू हुई ऑन द इश्यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और ये सब करके। तो ये जो 12 मिसल थे इनके, ये 12 मिसल ये थे, तो वो कौन कौन से थे उनके, एक बार नाम देख लेते हैं। भांगी, अभी जो भांगी वर्ड है ये एक्चुअली भांग से आया है। तो इनका एक लीडर हुआ करता था, वो दिन रात भांग के नशे में पड़ा रहता था, हशीश, और तब उनके मिसल का ही नाम भांगी रख दिया। ओके, देन करूर सिंगिया, ठीक है, देन फैजुल फैजुला पुरिया, अहलूवालिया। अब ये सब एक्चुअली सरनेम्स भी होते हैं सिख्स में, जैसे अहलूवालिया तो काफी फेमस नाम है कई लोगों के, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया वाज देयर डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। देन नकाई, ठीक है, देन कन्हैया, देन रामगढ़िया, ओके, नकाइन, फुलकियन, ओके, सुकर चकिया, देन दले वालिया एंड तरुणा। सो दीज वर द 12 मिसल्स। नाउ यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल दीज मिसल्स, इसमें इंपॉर्टेंट जो मिसल है वो है सुकर चकिया, थर्ड फ्रॉम द लास्ट। तो सुकर चकिया मिसल क्यों है, क्योंकि फ्रॉम दिस मिसल अरोज महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो था, ये सब इन सब सारी मिसल्स को यूनाइट करके उसने फाइनली सिख एम्पायर की नींव रखी। और सो सिख एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एंड इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इवन ये जो सिख, ये जो पहले के मुस्लिम रूलर्स थे यहाँ पे इस एरिया में, ये भी एक लिप सर्विस ही देते थे मुगल एम्पायर को, और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद से ये सारे खत्म होने शुरू हुए। तो अहमद शाह अब्दाली ने एक्चुअली कई सारी इनकी भी सिख होली श्राइन्स और गुरुद्वारों को भी खत्म किया था, हिंदू टेम्पल्स भी हटाए थे, उसने जेनोसाइड किया था। बट इसमें फिर एक नया ट्विस्ट इस एरिया में ऐसे आया कि एक अदीना बेग खान करके एक था जो आर्यन ट्राइब का था, एंड ही फाइनली रोज टू पावर। तो ये अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट इसका मेन राइवलरी थी। ये हरियाणा टाइप ट्राइब अभी भी है पाकिस्तान एरिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में। तो इट वाज आदिना बेग खान हु एक्चुअली इनवाइटेड मराठास, ओके, टू फाइट अब्दाली, और अब्दाली को मराठास ने हरा भी दिया था। तो इन इफेक्ट मराठा एम्पायर जो है वो अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, और ये उनका एक नॉमिनल दिस आदिना बेग खान केम अंडर देयर सुजरेनिटी। तो दिस इज हाउ बेसिकली मराठा एम्पायर टच्ड ऑलमोस्ट द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, समझ गए। लेकिन अब अहमद शाह अब्दाली को जो शुरू में रिवर्सेस मिले वो भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं था। तो वो फिर अपनी फुल माइट के साथ वापिस आया इंडिया में, वापिस उसने इंडिया को इन्वेड किया, एंड इन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ उसमें मराठा वर डिफीटेड मिजरेबली, ओके, बाय अब्दाली आर्मी। एंड विद दिस मराठा एम्पायर का भी इनफैक्ट बहुत बड़ा उसके उनको एक ये मिला था। नाउ देयर ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग और रिप्लेसिंग द मुगल्स एट पैन इंडिया लेवल, ये उनका उसके साथ ही ड्रीम खत्म हो गया। अब उसके बाद के जो खैर कुछ पेशवाज थे, माधव राव वगैरह, उन्होंने कई सारी अब्दाली के जाने के बाद फिर से टेरिटरीज को रिगेन किया। लेकिन फिर वो बात यही कि इसमें उनके कई सारे एक दो पेशवा मारे गए ना इस बैटल में, और उसका उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो फाइनली इनफैक्ट इट वॉज अब्दाली, बिकॉज ऑफ अब्दाली यू कैन से दैट मराठा कुड नॉट एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एट दिल्ली, ओके। तो फिर इसी के साथ अब 1760s में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास भी हार गए, अब्दाली ऑफ कोर्स यहाँ रूल करने आया नहीं था, ये वापस चला गया, तो ये जो कॉन्फिडरेसी थी ये बढ़नी शुरू हुई।
यानी ये एक्चुअली ग्रो होनी शुरू हुई। उसमें से चार पांच जो थी वो काफी पावरफुल थी, ठीक है। और इन्होंने जैसे अब अलूवालिया, पंचगढ़िया और रामगढ़िया ये जो थे, दे उन्होंने तो सीधा दिल्ली पे भी अटैक कर दिया था, यानी उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। देन उन्होंने औरंगजेब का जो थ्रोन था ना, उसका जो सिंहासन था, वो भी वहां पे अमृतसर में लेके आए थे। अमृतसर में लगाया कि देखो हमने दिल्ली से ये क्या लिखा है, मुगल एम्परर का सिंहासन लगा के, यानी एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, ओके। तो अब ये सारे चल ही रहे थे। अब इसमें फिर क्या हुआ कि इनके आपस में भी कई सारी राइवलरीज तो होनी ही थी, क्योंकि हर किसी को ज्यादा ग्रीड और पावर। तो अब सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि सब पीसफुली अच्छे अच्छे सब लीडर्स चल रहे हैं, उसमें से कोई तो होगा जो ग्रीडी होगा। फिर एक ग्रीडी होगा तो दूसरा उसको काउंटर करने के लिए रहेगा, तीसरा और उसका फायदा उठाएगा। तो ऐसे चक्कर में इनकी राइवलरी शुरू हुई। तो अब इस राइवलरीज के दौर में जो सुगर चकिया मिसल थी, ये महाराजा रणजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल से, जो महाराजा रणजीत सिंह था, उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। नाउ ही वाज नो डाउट एन एक्सट्रीमली करेजियस सोल्जर, कैरिस्मेटिक लीडर, विजनरी, इवन अ डिप्लोमैट, एंड ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ स्टेट्समैन। और ऑफ कोर्स ही वाज सफरिंग, ही हैड सफर्ड अ स्मॉलपॉक्स अटैक इन हिज चाइल्डहुड, और उसीलिए तब से उसमें उसकी एक आंख भी गई है। सो यू कैन सी इन हिज मेनी पेंटिंग्स, ये इस पेंटिंग में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, एक्चुअली ही डिड नॉट हैव वन आई, एंड वो उसके चेहरे पे पूरे उसके दाग थे, चेचक के, स्मॉल पॉक्स के। जैसे यू मस्ट हैव सीन सम पीपल लाइक दैट, अभी तो नहीं होते किसी को, सम ओल्ड पीपल जो रहते ऐसे छेद छेद रहते चेहरे पे, तो वैसा था इसके पूरे चेहरे पे, एक आंख भी नहीं थी। फिर भी इन ऑड्स में भी उसने अपने आप को किस पोजिशन पे एस्टेब्लिश किया, एंड ही इज इनफैक्ट बीबीसी मैगजीन ने इसको टर्म किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड, ओके। तो अब ये सुगर चकिया मिसल के का जब राइज हुआ, तो इसके नाउ सी ये कैसे, सुगर चकिया मिसल के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। नाउ चरत सिंह एंड हिज सन महान सिंह ऑफ सुगर चकिया मिसल हैड कॉन्कर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ लैंड एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज पावरफुल मिसल। हाउएवर इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह, द फर्स्ट महाराजा ऑफ खालसा एम्पायर, हु कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ पंजाब एंड एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल अथॉरिटी इन पंजाब वंस अगेन, ओके। तो नाउ इसके कुछ कैंपेन्स ये देख लेते हैं। नाउ ही टुक लाहौर फ्रॉम द ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल देयर। तो लाहौर वॉज इनफैक्ट पंजाब की जो कैपिटल थी वो लाहौर ही थी ना, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे लाहौर ही पंजाब की कैपिटल थी। और इनफैक्ट जब इंडिया का पार्टीशन भी हो रहा था, ना लाहौर इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इंडियन बॉर्डर्स, जो अमृतसर का वो बॉर्डर है वहां से लाहौर बहुत दूर नहीं है। तो ये जब बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो बाउंड्री अंडर सिरिल रैडक्लिफ, तो सिरिल रैडक्लिफ का मतलब कई लोगों का कहना था, इंडियन साइड के नेहरू और इन सब का, दैट लाहौर शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे कई सारे सिख कम्युनिटीज है, कई बहुत मतलब वो ट्रेडिशनल कैपिटल रही है नहीं पंजाब सिख की, तो सिख के में भी तो एक वो सिंबॉलिक जगह है, और वहाँ मुस्लिम का कुछ नहीं था, लाहौर वो तो सिख कैपिटल, और वहाँ पे कई गुरुद्वारे हैं फेमस, अभी भी लोग वहाँ के गुरुद्वारे में जाते हैं ना पंजाब से। तो ये करतारपुर कॉरिडोर वगैरह, करतारपुर गुरुद्वारा नहीं अभी जो जिसको ओपन किया इंडिया पाकिस्तान डायलॉग, यानी दैट कॉरिडोर इज लाइक, उसमें कैसे पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडियन साइड से ही तुम वहां तक जा सकते हो, मतलब सिख्स उस गुरुद्वारे में जा सकते हो जो अभी पाकिस्तान में आता। तो ये जो लाहौर सिटी था, ये एक्चुअली इंडिया में आना था, तो वो बाउंड्री अगर ऐसे लाहौर के इधर से ड्रॉ की कर लेते तो लाहौर वुड हैव बीन इन इंडिया टुडे। लेकिन इधर मुस्लिम लीग और इनका ये कहना था कि आप लाहौर भी इंडिया में दे दोगे, सिर्फ पाकिस्तान के पास तो एक भी अच्छी सिटी नहीं बचेगी। तो फिर उस चक्कर में फाइनली, और ये भी ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया गया कि लाहौर वुड गेट गो टू पाकिस्तान, ओके। तो लाहौर वॉज हिज कैपिटल ऑलवेज। देन ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अमृतसर फ्रॉम द भांगी मिसल एंड रिनोवेटेड द गोल्डन टेम्पल। जो गोल्डन टेम्पल है, इसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं बिकॉज उसमें गोल्ड की का पत्रा लगा हुआ है, वैसे उसका नाम हरमिंदर साहिब है, ओके। नाउ इट वाज बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड ओवरलेइंग गोल्ड
ऑन द टेम्पल दैट इट गॉट इट्स नेम। तो ये इसके ऊपर जो गोल्ड की चादर प्लेट चला परत चढ़ाई वो रणजीत सिंह ने चढ़ाई। नो बाय द एंड ऑफ हिज रीन ही कंट्रोल द एंटायर नॉर्दर्न हाफ ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। व्हाइल ही इज रिप्लेस्ड रिस्पेक्टेड टुडे एज अ सिख हीरो एंड ग्रेट कॉन्करर, इट वॉज एक्चुअली इन माई ओपिनियन हिज डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल ब्रिलियंस दैट मेक हिम वन ऑफ अ काइंड। नाउ ही वॉज नॉट ओनली दैट, ही हैड सम अदर थिंग्स ऑल्सो एज हिज क्वालिटीज जो हम आगे। एक रंजीत सिंह का भी अपना ब्लॉग है, उसकी भी लिंक तुमको मिल जाएगी, हम उसको भी अभी देखेंगे, अभी इसी पार्ट में उसको देखेंगे। तो इसमें उसने वो बेसिकली एक सेक्युलर लीडर था, वो टोटली सेक्युलर था। ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स और मुस्लिम मॉस्क, और उसके अलावा उसके टॉप कमांडर मुस्लिम था, उसका जो दीवान था वो हिंदू था। तो उसके इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब टाइप के लोग उसके कोर्ट में थे। सो ही वॉज अ कम्प्लीटली सेक्युलर मैन एंड ही एक्चुअली विजिटेड टेम्पल्स ऑल्सो। तो उसने ये उसने अपने करियर में अपने स्टेट को एक इक्वालिटी बेस्ड, वैसे भी सिखिज्म तो इगैलिटेरियन रिलीजन ही है, सिखिज्म बना क्या फिर है, इट इज कोई कोई नया रिलीजन या ये नहीं है उसमें उन्होंने, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। ओके, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में कुरान और गीता दोनों से चीजें ली गई, और अगर तुम वैसे देखा जाए तो उसमें कुरान से ज्यादा चीजें ली गई। और ये जो मतलब वो कितना ओपन माइंडेड रिलीजन है वो इस बात से पता लगता है कि जो गोल्डन टेम्पल की जब नींव रखी गई थी अंडर सम गुरु जो उनका थर्ड गुरु था, तो उसका उद्घाटन है वो एक मुस्लिम सूफी सेंट से करवाया। कैन सी हाउ ओपन माइंडेड दैट रिलीजन इज, समझ गए? यानी अभी जैसे राम मंदिर का ये होने वाला है तो इमेजिन सब मुस्लिम सूफी इनॉग्रेट, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन सिखिज्म में उन्होंने उनकी जो मेन सीट ऑफ उनका जो सबसे होली साइट है उसका उसकी फाउंडेशन किससे रखा, एक सूफी सेंट से, जो सूफीज्म मतलब वो इस्लाम का पार्ट हुआ। ओके, सो दिस ओनली शोज हाउ ओपन माइंडेड एंड इगैलिटेरियन और सेक्युलर सिखिज्म इज। तो रंजीत सिंह की जो डिप्लोमेसी और ये थी, तो नाउ ही मेड अ ट्रीटी विद द, अब रंजीत सिंह के साथ इश्यूज क्या थे कि उसको नॉर्दर्न साइड में एक फॉर्मिडेबल एनिमी था इन द फॉर्म ऑफ अफगान, और इधर सतलुज रिवर के इस तरफ यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का सीरीज हुआ। देखो हमने पिछले पार्ट में किया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में, दैट बाय 1803 ब्रिटिश हैड ऑलमोस्ट कैप्चर्ड दिल्ली, तो ऑलमोस्ट नहीं इट हैड कैप्चर्ड दिल्ली, और फिर उनका नॉर्दर्न प्लान था तो उसमें उन्होंने पहले सिंध साइड से शुरू किया, तो सिंध वॉज अनेक्स्ट फर्स्ट, और उससे पहले मतलब उनके ऑलरेडी ये वहां पे फोर्सेस तैनात थी। अब रंजीत सिंह ने एक चीज रियलाइज की थी अपने टेन्योर में, दैट देर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद द ब्रिटिश, यानी अपने एम्पायर को अभी इस तरफ एक्सपैंड करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी आर्मी, क्योंकि उनका पूरा हिंदुस्तान का कब्जा हो चुका था, यहाँ पंजाबी तो बचा था। तो उसने उनके साथ कोई अपनी राइवलरीज रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश वर आइंग पंजाब एंड विद पंजाब एंटायर सब कॉन्टिनेंट वुड गो अंडर देयर कंट्रोल। तो बट एज लॉन्ग एज रंजीत सिंह वॉज अलाइव वो पॉसिबल नहीं था, वो हुआ भी नहीं। ठीक है, तो ये जो इनकी पावर्स या इसकी रंजीत सिंह की ये थी, इसमें इन्होंने अपने आप को काफी कंसोलिडेटेड रखा और एक बहुत अच्छा रूल किया। इनफैक्ट इट वाज रंजीत सिंह हु ब्रॉट बैक द कोहिनूर डायमंड टू इंडिया। यानी अब जैसे कोहिनूर डायमंड जो है वो गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के माइंस में से निकला हुआ एक डायमंड था। ओके, दिस इज द डायमंड। ओके, वी विल सी इट इन दैट ब्लॉग। तो महाराजा रंजीत सिंह के ब्लॉग में उसकी फोटो है, वी विल जस्ट ओपन इट इन अ बिट। तो ये उसने उसके ये सारे कारनामे थे। फिर उसकी एक पर्सनल लाइफ भी थी, नाउ ही हैड मैरिड मेनी वुमेन एंड देन सिख एम्पायर जो है, तो वील कम बैक टू द डाउनफॉल ऑफ सिख एम्पायर। फर्स्ट वील डू सम मोर थिंग्स अबाउट महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम और अनादर ब्लॉग।
तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ये अपना ब्लॉग ही है, इट इज अबाउट हिज कॉन्क्वेस्ट वाइव्स एंड मोर। ओके, तो महाराजा रणजीत सिंह रीम इज ऑल्सो मार्क्ड बाय कल्चरल एंड आर्टिस्टिक रिनेसा ऑफ द सिख्स। नाउ दिस इंक्लूडेड द रीबिल्डिंग ऑफ इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा सच एज हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब वही है जो गोल्डन टेम्पल, एंड देन तख्त श्री पटना साहिब इन बिहार। नाउ बिहार, मेनी पीपल डोंट नो दैट पटना इज अ वेरी बिग सीट ऑफ सिखिज्म। पटना में जो गुरुद्वारा है वो काफी, इनफैक्ट गुरु नानक वहां से थे और वहां पे कई सिख रहे थे पटना में। इट इज वन ऑफ द होली, ऐसी है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में जो नांदेड़ है उसको सचखंड बोलते हैं। वहां पे गुरु गोविंद सिंह की वजह से बहुत सारे सिख्स है, ही वॉज किल्ड ओवर देयर। तो तब से वो भी एक बहुत बड़ा श्राइन है। इनफैक्ट एक सचखंड एक्सप्रेस भी है, ट्रेन जो सीधा पंजाब से वो नांदेड़ तक जाती है। तो इनके कई सारे सीट्स है जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर में ये सारे इनको मैनेज किया जाता है। तो ही महाराजा रणजीत सिंह ने पटना का भी ये बनाया। देन ही क्रिएटेड एन एम्पायर अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड्स, बट अनफॉर्चुनेटली द सिख एम्पायर ऑल्सो हैड टू सकम टू द ब्रिटिश द वे मुगल्स, मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद डिड। आफ्टर हिज डेथ ही वॉज सक्सीडेड बाई सन खड़क सिंह। ओके, देन इन 2020 रणजीत सिंह वॉज वोटेड एज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम इन अ पोल कंडक्टेड बाई बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन। ओके, तो वेरी रिसेंटली इट वॉज ही गॉट दिस ऑनर। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर, तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो हमने अभी बात करी ली, ये सारी एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर्टिकुलरली पंजाब, द फॉर्मेशन ऑफ खालसा कम्युनिटी ऑफ सिख वॉरियर्स बाय गुरु गोविंद सिंह फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द रीजन। देन रेडिंग अफगान्स अटैक द इंडस रिवर वैली, बट दे फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइज आर्मीज ऑफ खालसा सिख्स एंड इरेगुलर खालसा मिलिशियाज बेस्ड इन द विलेजेस। नाउ द सिख्स हैड अपॉइंटेड देयर ओन लैंड होल्डर्स रिप्लेसिंग द प्रीवियस मुस्लिम रेवेन्यू कलेक्टर्स विच प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द वॉरियर्स अलाइन विद सिख इंटरेस्ट। मीनवाइल द कॉलोनियल ट्रेडर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिगन ऑपरेशंस ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो 18th सेंचुरी में जैसे हमने पहले बात की, उसमें 14 मिसल थी जिसमें एक कसूर नाम की नियर लाहौर, इट वॉज हेडेड बाय मुस्लिम, और एक साउथ ईस्ट साइड में इट वॉज हेडेड बाय एन इंग्लिशमैन कॉल्ड जॉर्ज थॉमस। और ये जो पूरा जहाँ पे मिसले थी, ये जो 5 रिवर्स का जो मेन बेसिन है, इट इज अ वेरी फर्टाइल, जहाँ 5 5 बड़ी हिमालयन रिवर्स है, वो एरिया तो काफी फर्टाइल होगा। तो इट वॉज फर्टाइल एरिया, रिच प्रॉस्परस, बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी प्रॉस्पेरिटी वुड बी देयर, और इसीलिए तो वो किसान कम्युनिटी ही थी सिख्स पहले, जो बाद में वॉरियर्स बने। तो अब ये जो 5 12 सिख मिसल्स थी, इसमें से 5 काफी प्रोमिनेंट थी। वो कौन कौन सी थी? सुकर चकिया, कन्हैयाज, नाकियाज, अलुवालियाज एंड भांगी। रंजीत सिंह बिलोंग टू द फर्स्ट, दैट इज सुकर चकिया मिसल, एंड थ्रू मैरिज एंड रिलायबल अलायंसेज विद कन्हैयाज एंड नाकियाज, ही एक्चुअली होल्ड अलायंसेज। एक्चुअली कैसा हुआ है कि ये पहले भी कई किंग्स ने किया है, अपना अपना प्रभाव और ये बढ़ाने के लिए व्हाट यू डू इज यू मैरी डॉटर्स फ्रॉम अदर नेबरिंग किंगडम्स वगैरह। तो इसने जैसे अपने अलग अलग मिसलों की इससे शादियां की, और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें, फिर अपना प्रभाव एसर्ट करना शुरू करते, और वैसा करते करते उस पर ऑलमोस्ट कब्जा किया जैसा कर लेते। तो इसने शुरुआत यहाँ से की, वो एक एबल डिप्लोमेट भी था, वॉरियर तो था ही, उसमें कई सारी क्वालिटीज थी। तो उसने ये सब किया। नाउ उनका रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम उन्होंने वही रखा है। इनफैक्ट इंडिया में ब्रिटिश ने जो नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले जितने भी ब्रेकअवे किंगडम्स थे या सो कॉल्ड एम्पायर्स थे, ब्रेकअवे एम्पायर्स फ्रॉम मुगल एम्पायर, उन सब ने जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम था वो मुगल्स का ही रखा था। इसने भी वही रखा, रंजीत सिंह ने भी वही मॉडल रखा। तो इट वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, देन राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह।
अब धीरे धीरे ये अपना प्रभाव बढ़ाता गया। नाउ ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग हॉर्सेस, स्ट्रॉन्ग लीकर, एंड ही एंजॉयड सराउंडिंग हिमसेल्फ विद अट्रैक्टिव पीपल। ठीक है, नाउ ही इनहेरिटेड कंट्रोल ऑफ सुकर चकिया, सिख ग्रुप, एट अ यंग एज अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर महान सिंह। नाउ ही मैरिड द डॉटर ऑफ द चीफटेन एंड लेटर वेड अ गर्ल फ्रॉम नाकियाज, बिकमिंग प्रोमिनेंट लीडर अमंग द सिख कॉन्फेडरेसी। इन 1799 ही कैप्चर्ड लाहौर एंड वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बाय द अफगान किंग जमन शाह। तो तब से लाहौर हमेशा रही है सिख कैपिटल की तरह रही है। देन हाउ एवर ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ महाराजा ऑफ पंजाब इन 1801, तो उसने खुद को ही अपने आप को महाराजा डिक्लेयर कर दिया और तब से वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से ही जाना जाता। तो फिर उसने अमृतसर को कॉन्कर किया, विच वॉज अ मेजर कमर्शियल सेंटर एंड सेक्रेट सिटी ऑफ फॉर सिक्स। देन फॉलोइंग ईयर एंड वेंट टू सबड्यू स्मॉलर सिख एंड पश्तून प्रिंसिपैलिटीज इन द रीजन। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी फर्दर ईस्ट, हिज एम्बिशंस वर थॉर्टेड बाय द इंग्लिश, हु फोर्स्ड हिम टू साइन अ ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809, एस्टैब्लिशिंग द सतलुज रिवर एज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम। तो ये 1809 में ब्रिटिश पर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग। नाउ इट ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री वॉज ऑलरेडी अंडर देयर कंट्रोल, और ये धीरे धीरे अपना नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे। तो इनके साथ भी एक छोटा, इनके भी दो वॉर्स हुए एक्चुअली, एंग्लो सिख वॉर्स भी है। तो एक में दिस ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809। तो उस ट्रीटी के अनुसार सतलुज एरिया के नीचे वाला जो एरिया है वो ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा, उसके ऊपर का पार्ट पंजाब का पार्ट रहेगा। फिर इसने अपना पंजाब एरिया में काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया। नाउ ही एडेड द राजा ऑफ कांगड़ा इन द हिमालयन, कांगड़ा यानी कांगड़ा वैली इधर हिमाचल प्रदेश में, और फिर बाद में उसने अपने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, जम्मू कश्मीर, ऑलमोस्ट ये सब पंजाब एम्पायर का पार्ट। देन ही ज्वाइन, अब इसके कुछ जो कारनामे हैं रंजीत सिंह के वो देख लेते हैं। नाउ ही ज्वाइन एन अफगान एक्सपीडिशन टू कश्मीर इन 1813, ऑल्दो द अफगान्स अल्टीमेटली बिट्रेड हिम एंड केप्ट कंट्रोल ऑफ द रीजन, ही रेस्क्यूड द अफगान किंग शाह शुजा, हु हैड बीन डिपोज्ड एंड फ्लेड फ्रॉम द बारकाजाई एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट एट एटोक। तो ये शाह शुजा ही है जिससे फाइनली कोहिनूर डायमंड इसको मिला, रंजीत सिंह के कब्जे में आया। लेकिन अभी कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिश क्राउन की शोभा बढ़ाता है। दिस इज द कोहिनूर डायमंड, दिस इज द कोहिनूर डायमंड। तो ये कई राजाओं महाराजाओं के हाथ में रहा, गया, आया। उसके बाद अब्दाली का ग्रैंडसन था उसका, उसके पास है फाइनली था, और उससे ये रंजीत सिंह के पास आया। अब ये हिस्टोरियंस में कंफर्म नहीं है कि वो उसको गिफ्ट दिया था या रंजीत सिंह ने उससे खरीदा था, इस पे कोई कंसेंसस नहीं है। नाउ ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द सिटी ऑफ मुल्तान इन 1818 एंड पेशावर द फॉलोइंग ईयर। नाउ दीज बोथ आर इम्पोर्टेंट सिटीज इन पाकिस्तान टूडे। इन 1820 ही बिगैन मॉडर्नाइजिंग हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स एंड यूज्ड इट टू क्वेल एन अपराइजिंग इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड रिपेल एन अफगान काउंटर अटैक ऑन पेशावर। इन 1831 ही मेट विद ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द फेट ऑफ सिंध प्रोविंस, बट वॉज अनहैप्पी विद देयर प्लान टू पुट अ कॉर्डन अराउंड हिम एंड बिगैन नेगोशिएटिंग विद द अफगान्स इंस्टेड। इन 1834 ही ऑथोराइज एन एक्सपीडिशन लेड बाय डोगरा कमांडर जोरावर सिंह दैट एक्सपैंडेड हिज नॉर्दर्न टेरिटरीज इन टू लद्दाख। तो देखो कश्मीर और लद्दाख ये सारा पार्ट भी उसके एम्पायर का पार्ट था। इन 1838 ही अग्रीड टू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश टू रिस्टोर शाह शुजा टू द थ्रोन ऑफ इन अफगानिस्तान एंड सेंड ट्रूप्स थ्रू द खैबर पास टू पार्टिसिपेट इन द विक्ट्री परेड इन काबुल। देन हाउ एवर ही बिकेम इल शॉर्टली आफ्टर एंड डाइड इन 1839 एंड द सिख स्टेट ही हैड बिल्ड कोलैप्स्ड ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग राइवल चीफ्स जस्ट 6 ईयर्स लेटर। द प्राइमरी रीजन फॉर द फॉल ऑफ सिख एम्पायर वॉज द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इन द 1840s। तो अब व्हाई डिड द सिख एम्पायर फॉल, तो उसके पीछे कुछ मेन रीजन्स थे।
दैट इज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आफ्टर हिज डेथ। तो अब जैसे एक करिश्माटिक किंग जैसे औरंगजेब के हिसाब देख लो, उसके बेटे उतने करिश्माटिक और एबल थोड़ी ना थे। ऐसे बहुत कम बार हुआ है कि बेटे भी उतने करिश्माटिक और एबल थे। जैसे मुगल्स में पहले होता था, जैसे बाबर के बाद हुमायूं अच्छा था, हुमायूं का बेटा अकबर भी अच्छा था, जहांगीर भी अच्छा था, शाहजहां भी था, फिर औरंगजेब भी था उसमें। तो और भी सबसे बड़ा एम्पायर बनाया मुगल्स के अंडर, सबसे बड़ी टेरिटरी। लेकिन उसके बाद के खराब थे। तो रणजीत सिंह के बाद के जो उसके सक्सेसर थे, अब उसका जो इमीडिएट बेटा था खड़क सिंह, वो ऑफकोर्स उतना करिश्मेटिक नहीं था। ओके, तो इन 1839 द एम्पायर वॉज रूल्ड बाय सीरीज ऑफ वीक एंड इनफेक्टिव लीडर्स हु आर अनेबल टू मेंटेन द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम। देन सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। द एम्पायर वॉज प्लेग्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द पावर स्ट्रगल्स अमंग डिफरेंट फैक्शंस विच वीकेंड इट्स यूनिटी एंड इफेक्टिवनेस। देन एक्सटर्नल थ्रेट्स। द सिख एम्पायर फेस्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग पावर्स इंक्लूडिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अफगान दुरानी एम्पायर विच सॉट टू एक्सपैंड देयर ओन टेरिटरीज एट द एक्सपेंस ऑफ सिख्स। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। द एम्पायर स्ट्रगल्ड विद इकोनॉमिक इश्यूज इंक्लूडिंग लैक ऑफ सफिशियंट रिसोर्सेज एंड द डिक्लाइन इन ट्रेड विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ओवरऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन एंड इवेंचुअल फॉल ऑफ द सिख एम्पायर। ओके, अब इसके कुछ पर्सनल लाइफ के, इसमें नाउ ही मैरिड अ नंबर ऑफ विमेन। हिज फर्स्ट मैरिज वॉज विद मेहताब कौर एंड सेकेंड विद दातार कौर। तो जो उसका सक्सेसर था एक खड़क सिंह, ये दातार कौर का बेटा था। फिर उसके बाद उसने कई सारे, ये ढेर सारी कौर दिख रही है इनके साथ उसने शादियां की। और देखो इसमें इसमें लिखा भी है, इन ऑल द एस्टिमेट्स वेरी फ्रॉम 16 to 30। ठीक है, ये मैरिजेस, और ये तो ऑफिशियल मैरिजेस होते हैं इनकी। फिर और भी रहते हैं जिनको कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, और भी रहती है ना इनके, हारेम जैसा रहता है इसमें, और भी रहती है इनकी। तो ये तो ऑफिशियली मैरिजेस थी। एंड ही फादर्ड अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। अब इतनी सारी मैरिज करेगा तो इतने सारे बच्चे भी तो होंगे। ओके ठीक है, तो ये सब इसमें एक इस ब्लॉग में आप पढ़ सकते हो, ये तो इसकी बाकी की वाइफ्स और इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, देन हिज रिलीजियस पॉलिसीज। रंजीत सिंह की जो थी, ही वाज अ सेक्युलर किंग एंड बट ही फॉलोड द सिख पाथ। ही वाज आल्सो अ डिवोटेड सिख एंड रिस्टोर्ड एंड बिल्ट सेवरल हिस्टोरिक सिख गुरुद्वारा इंक्लूडिंग द हरमिंदर साहिब। ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्रीज बाय ऑफरिंग थैंक्स टू हरमिंदर एंड ऑल्सो विजिटेड हिंदू टेम्पल्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर बिलीफ। अंडर हिज रूल द वेनरेशन ऑफ काउज वॉज प्रमोटेड एंड काउ स्लॉटर वॉज पनिशेबल टू डेथ। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू लूट और मोलेस्ट सिविलियंस। तो ये काफी एक जनरस और जेंटलमैन किंग था। महाराजा रणजीत सिंह बिल्ट सेवरल गुरुद्वारा हिंदू टेम्पल्स एंड इवन मॉस्क। अब सोचो एक दूसरे रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन के होली प्लेसेस बनवा रहा है, उसने मस्जिदें भी बनवाई। सो वन ऑफ द मॉस्क मली मोरन मस्जिद वॉज बिल्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज बिलेवेड मुस्लिम वाइफ। ठीक है, मोरन सरकार। तो सिक्स अंडर सिंह नेवर डिस्ट्रॉयड प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिलोंगिंग टू देयर एनिमीज। हाउएवर दे डिड कन्वर्ट सम मुस्लिम मॉस्क इनटू अदर यूजेस सच एज टर्निंग लाहौर बादशाही मॉस्क इनटू एन एम्युनिशन स्टोर एंड हॉर्स स्टेबल्स एंड कन्वर्टिंग द मोती मस्जिद इनटू द मोती मंदिर। तो एक दो छोटे मोटे ये पॉइंट्स छोड़ दिया जाए तो इसने ऐसा कभी किसी होली प्लेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया। द सुनहरी मॉस्क वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू सिख गुरुद्वारा बट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ सूफी फकीर शाह बुखारी रंजीत सिंह रिस्टोर्ड इट बैक टू अ मॉस्क। लाहौर बेगम शाही मॉस्क वॉज यूज एज अ गन पाउडर फैक्ट्री अर्निंग इट द निकनेम बारूद खाना वाली मस्जिद और गन पाउडर मॉस्क। ठीक है, सो इन कंक्लूजन यू कैन से दैट ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड सक्सेसफुल रूलर विच ही विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। तो उसने सारे सिख फैक्शंस को भी यूनाइट किया और अपने सारे थ्रेट्स को भी उसने काउंटर किया और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया फॉर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एटलीस्ट टिल ही वॉज अलाइव 1838 1839 तक। तो
तो उसने अराउंड 30 साल, 30 40 साल तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया। और उसके 10 साल बाद, उसके मरने के 10 साल बाद सिख एम्पायर खुला एंड इट फाइनली वेंट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो इन 1848 पंजाब वॉज एनेक्स्ड ऑफिशियली बाय द ब्रिटिश, ओके, एंड इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द क्राउन। उनका एम्पायर तो पूरे वर्ल्ड पे था। इट वॉज सेड दैट सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर, मैंने कहीं अगर रात हो गई तो इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं दिन भी रहेगा। यानी प्रेजेंट डे ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज, जो प्रेजेंट डे कंट्रीज है, वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी। सोचो तो एक छोटा सा कंट्री इंग्लैंड, वहां से इतना बड़ा राज, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा। और इसीलिए ब्रिटेन ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम के आगे ग्रेट लिखा हुआ, मतलब ग्रेट, द एंटायर वर्ल्ड एक्नॉलेजेस इट एज अ ग्रेट कंट्री। ऐसा और कोई कंट्री तो नहीं लिख रहा, ग्रेट इटली लिख रहा है क्या कोई? हाँ, या ग्रेट नाइजेरिया, हाँ ग्रेट इंडिया, तुम लिख भी दो तो उसको मानेगा कौन? सिर्फ ब्रिटेन के आगे लिखा रहता है ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तो इस ब्लॉग में कुछ एफएक्यूज भी है। सो हु डिफीटेड महाराजा रणजीत सिंह? तो इनफैक्ट रणजीत सिंह वॉज नेवर डिफीटेड अंटिल हिज डेथ, बट हिज एम्पायर कोलैप्स आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू इंटरनल राइवलरीज, और जो हमने इसके बाकी के पॉइंट्स किए, ठीक है। देन हाउ मेनी वाइव्स ही हैड, तो इसके ऊपर भी एक एफएक्यू है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन इसके आप पढ़ सकते हो। देन व्हाट वाज रणजीत सिंह फेमस फॉर? सो ही वाज फेमस फॉर मेनी थिंग्स, हिज मिलिट्री कॉन्क्वर्स, हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन, हिज रिलीजियस टॉलरेंस, हिज स्टेट्समैनशिप, ओके। ही विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर यूनाइटिंग ऑल द कॉन्फेडरेसीज इनटू वन, ओके। सो वॉज ही अ गुड रूलर? सो ही वॉज अ गुड रूलर, बट ही वॉज रूथलेस इन द सेंस दैट रूथलेस एंड ऑटोक्रेटिक रूलर, यानी ही डिड नॉट टॉलरेट एनी वन हु वुड अपोज हिम। और देखा जाए तो कोई भी क्यों करेगा, क्यों करेगा? कोई तुमको अपोज कर रहा है तो उसको भी क्या सर पे चढ़ाओगे, हार पहनाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो भी एम्पायर, वो तो आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में होता है कि तुम्हारी अपोजिशन पार्टी के भी लीडर्स रूलिंग पार्टी के लीडर्स के साथ पार्टीज करेंगे या उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं। आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी में ऐसा होता है ना कि अभी किसी पार्टी को सत्ता मिली है, लोगों ने वोट करके उनको चुना है, कल को वो भी अपोजिशन में आ सकते हैं, तो ये संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टीज का काम ही अपोज करना है। लेकिन जब ऑटोक्रेटिक रूलर्स रहते हैं, उनके उनको कोई अपोज कर रहा है, उनको वो थोड़ी ना टॉलरेट करेंगे, ओके। देन इसमें एक और ये, हु गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू रणजीत सिंह? सो कोहिनूर डायमंड वॉज नॉट गिफ्टेड टू महाराजा रणजीत सिंह। द डायमंड हैज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड इट हैज चेंज हैंड्स मेनी टाइम्स ओवर द सेंचुरीज। अकॉर्डिंग टू वन वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंट, द डायमंड वॉज ओरिजिनली माइंड इन कोलूर माइन इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इंडिया। इट वॉज देन पास्ड थ्रू हैंड्स ऑफ वेरियस इंडियन रूलर्स बिफोर बींग सीज्ड बाय पर्शियन कॉन्करर नादिर शाह इन 18th सेंचुरी। आफ्टर नादिर शाह डेथ द डायमंड पास थ्रू द हैंड्स ऑफ वेरियस अफगान एंड पर्शियन रूलर्स बिफोर बींग एक्वायर्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स, महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर्ड द डायमंड फ्रॉम अफगान रूलर शाह शुजा, हु वाज सीकिंग हिज सपोर्ट इन द पावर स्ट्रगल अगेंस्ट हिज ब्रदर्स। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर वेदर द डायमंड वॉज गिफ्टेड और परचेज्ड। आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह डेथ द डायमंड पास्ड टू हिज सन दुलीप सिंह एंड इवेंचुअली एंडेड अप द पोजिशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश। इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ क्राउन ऑफ ज्वेल्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो दिस इज द कोहिनूर डायमंड। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो लास्ट सक्सेसर था दुलीप सिंह, तो उसका एक्चुअली ही वाज, यानी इनफैक्ट खड़क सिंह का की तो डेथ हो ही गई थी पहले, फिर उसके बेटे की भी हो गई, फिर ये जो दूसरी वाइफ का है, तो दुलीप सिंह वाज द लास्ट इनहेरिटर ऑफ और सक्सेसर ऑफ यू कैन से सिख एम्पायर।
लेकिन अब ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि अगेन, जैसे ये तो खैर तब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ नहीं था, जैसे जब बहादुर शाह जफर और मुगल डायनेस्टी को ही पूरा खत्म कर दिया गया, तो इसके साथ ऐसा नहीं किया। तो ही वॉज केप्ट इन एग्जाइल एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। एक्चुअली इसको बहुत यंग एज में, जब ये बेबी बच्चा था तभी इसको उसका इनहेरिटर बनाया था, और लेकिन इसको फिर एग्जाइल में रखा। तो ही वुड बी इट वुड बी 13 ईयर्स बिफोर दिलीप सिंह वॉज अलाउड टू सी हिज मदर अगेन, जब इसको ब्रिटिश ने एग्जाइल में रखा था। देन ही वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश एंड पुट अंडर समथिंग ऑफ अ हाउस अरेस्ट। देन दुलीप सिंह वॉज एंग्लिसाइज्ड, एंग्लिसाइज्ड यानी उसको फिर उसको ब्रिटेन भी भेज दिया था, उसको ब्रिटेन भेजा, वहां पे उसने क्रिश्चियनिटी भी ली, और फिर वो वापिस आया इंडिया में टू रिजॉइन द पॉलिटिक्स और मे बी टू क्लेम द इनहेरिटेंस ऑफ रंजीत सिंह। लेकिन तब तक तो ब्रिटिश उस पर ऑलरेडी ब्रिटिश कब्जा हो चुका था, और जो ब्रिटिश उसको कभी ऑब्वियसली अलाउ नहीं करने वाले थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। देन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड इन 1854 वेर ही लिव्ड फॉर अ बिगर पार्ट ऑफ द रिमेंडर ऑफ हिज लाइफ। लेटर इन हिज लाइफ ही रिकनेक्टेड विद हिज मदर एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली। ही ट्राइड टू रिटर्न टू इंडिया इन 1886 टू रिकन्वर्ट टू सिखिज्म, बट ही वॉज इंटरसेप्टेड इन एडन वेर ही वॉज अरेस्टेड। दुलीप सिंह तो दुलीप सिंह वॉज द लास्ट सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, एंड ही वॉज इनफैक्ट अ बेबी व्हेन ही, नॉट अ बेबी अ किड, ही वॉज एक्चुअली ही वॉज नेम्ड एज हिज इनहेरिटर। लेकिन फिर बाद में उसको ब्रिटिश ने एग्जाइल में रखा। देन 13 ईयर्स लेटर ही वॉज अलाउड टू सी हिज मदर, और फिर ही उसको ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन ने उसको एंग्लिसाइज कर दिया एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ऑल्सो। फिर वो जब बड़ा हुआ, देन एट द एज सी नाउ लेटर इन हिज लाइफ ही रिकनेक्टेड विद हिज मदर एंड द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। ही ट्राइड टू रिटर्न टू इंडिया इन 1886 टू रिकन्वर्ट टू सिखिज्म, बट ही वॉज इंटरसेप्टेड इन एडन वेर ही वॉज अरेस्टेड। दुलीप सिंह डिड कन्वर्ट देयर, यानी वो सिखिज्म उसने ले लिया, दो विच वॉज नॉट एज अ ग्रैंड एज सिम्बॉलिक एज हिज कन्वर्जन इन पंजाब वुड हैव बीन। ठीक है, ही डाइड इन 1893 इन पेरिस, और हिज बॉडी अगेंस्ट हिज विशेज वॉज नॉट रिटर्न टू पंजाब। ही वॉज पुट टू रेस्ट इन एवलेडन चर्च इन इंग्लैंड। तो विद दिस द सागा, और विद द यू कैन से द डायनेस्टी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एंडेड, एंड ऑल्सो दिस वॉज कर्टन्स फॉर द सिख एम्पायर। तो विद दिस विल स्टॉप हियर। थैंक यू।